हैप्पी दिवाली गाइस। आज दिवाली है और मुझे आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज दिवाली वाले दिन करूंगी। बट दिवाली वाले दिन कितना काम होता है आप सबको पता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स कितना काम करना पड़ता है हमें। सुबह से लगी हुई हूँ मैं और अभी 4 बज रहे हैं जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, बट इट्स ओके, मुझे आपके साथ ये शेयर करना था। और यस, हैप्पी दिवाली। आई विश कि अगले साल तक आपकी और मेरी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, हमारी जॉब लग जाए और नेक्स्ट ईयर हम अपनी जॉब वाली दिवाली मनाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना हमारे ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप पे, जो अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कलीग्स के साथ पिक्चर्स डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। बट हम तो बेरोजगार हैं, हम कहाँ पे पिक्स डालें, किसके साथ डालें। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, दिवाली इज़ नॉट ऑल अबाउट पिक्स एंड जो भी है, बट नौकरी तो होनी चाहिए, है ना। तो हम एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक आप और मैं नौकरी लेके रहेंगे, जो भी हमारी ड्रीम जॉब है, जिसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, नौकरी तो लेके रहेंगे, है ना, ऐसा सोचते हैं। और अगले साल अच्छे से दिवाली मनाएंगे, बहुत बढ़िया। सो कोई नहीं, अब मुझे आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी। और इस बार भी मैंने सोचा था कि ऐसे होने वाला है, कैसे होने वाला है कि जो मेरे सारे व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट्स हैं या जो भी है, वो अपनी अपनी पिक्स डालेंगे वर्क प्लेस की, यहाँ की, यहाँ पे दिवाली मनाई, हैप्पी दिवाली, ये बोनस मिला, ये गिफ्ट मिला। तो मैं सोच रही थी कि मेरे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, इस बार भी बस उनके व्हाट्सएप के स्टेटस देख के सेटिस्फाई होना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो मैं स्कूल भी पढ़ाती थी, अब मैं स्कूल भी छोड़ चुकी हूँ, स्कूल भी नहीं जाती, तो नो सेलिब्रेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं, मैंने यही सोचा। बट भगवान जी नहीं चाहते थे कि मेरी दिवाली जो है इस बार भी ऐसी जाए, तो उन्होंने कुछ अच्छा सा स्पेशल सोच रखा था मेरे लिए। उस चीज़ को बताने से पहले मैं बताऊँ कि वो चीज़ ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट यस, एक एज अ एस्पिरेंट, एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए, मेरे लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है। और मुझे लगा कि आप लोगों को उसको शेयर करना चाहिए, कि मे बी कुछ भी अगर आपको उससे भी हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, ये बात आज की नहीं है, बट मैं इसको एज अ दिवाली गिफ्ट ले रही हूँ, ताकि मेरी दिवाली मेरे लिए अच्छी जाए। अदरवाइज हर दिवाली में मैं पढ़ते पढ़ते ही निकालती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई एग्ज़ाम दिवाली के आसपास होता है। इस बार भी है, बट स्टिल अभी मेरे को वीडियोस भी बनानी है, वो भी टाइम देना है, तो ठीक है। ये चीज़ जो है पिछले मंडे ट्यूसडे हुई थी, तो एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे कि ऐसी मेल्स वगैरह आते रहते हैं, तो जो इंस्टीट्यूट होंगे ना पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट, उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी व्हाट्सएप पे, मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो देखी, क्या लगा, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो उनका ना मेरे पास मेल आया था, ठीक है, उनका पूरे जो इंस्टीट्यूट है उनके नाम से मेरे पास मेल आया। तो मुझे लगा कि जैसे हमारे पास मेल नहीं आते जिसमें हमने लॉग इन कर रखा होता है, ग्रेड अप टेक्स्ट बुक या फिर समथिंग ऐसे, ग्रेड अप टेक्स्ट बुक से मैसेज आते रहते हैं, अकेडमी समथिंग, तो वो मुझे लगा कि ऐसी मेल होगा, मैंने उसको देखा भी नहीं, मैंने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। बट उन्होंने किसी ने, मतलब मुझे नहीं पता, उन्होंने वीडियो वगैरह देखी होगी, तो मैंने नीचे ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है मेरे व्हाट्सएप वाले, सॉरी टेलीग्राम वाले ग्रुप का, और उसमें ही मेरी जीमेल आईडी होती है, तो उन्हें वहाँ से जीमेल आईडी मिली थी, उन्होंने जीमेल आईडी में भेजा। और मुझे लगा ये सब, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि आपको हम एज अ फैसिलिटेटर अपॉइंट करना चाहते हैं हमारे यहाँ पे, मींस आप यहाँ पे आओ और हमारे कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उन्हें पढ़ाओ, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मे बी बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सीरियसली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये प्रोसेस कब होता है कि जब हम अलग अलग जगह जगह जा करके रिज्यूमे देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सो ऑन करके फिर आपको मींस आपको हायर करा जाता है या जो भी है। बट मेरे पास घर में बैठे बैठे ही अपॉर्चुनिटी आई, मींस सीरियसली आई एम वेरी ब्लेस्ड, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ मेरे साथ और है ऐसा सीरियसली। तो पहले तो वो जो मेल था मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने इग्नोर कर दिया, मींस कि ऐसे ही आता रहता है तो मैंने हटा दिया उसको, छोड़ो कुछ नहीं। तो फिर वो जो थे सर, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करा, फिर उन्होंने मुझसे बात करी, मुझे मैसेज वगैरह करा कि मतलब आपने वो मेल वगैरह देखा, मैंने कहा विच मेल यू आर टॉकिंग अबाउट, तो उन्होंने मेल देखा, मैंने पढ़ा, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने कहा ये सच भी है क्या, मीन्स मतलब मैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि मीन्स हमने आपकी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं और आप अच्छा पढ़ा लेते हो, मीन्स आप पढ़ा सकते हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे पढ़ाने आ जाओ, हम पढ़ा देंगे, उन्होंने सारी चीज़ें बताई। तो उस टाइम तक भी मुझे ना फेक लग रहा था सब कुछ, वो इंस्टीट्यूट का नाम मुझे पता था, हमारे एरिया में अगर यमुना बिहार में आप जाओगे तो वो एरिया में आपको इंस्टीट्यूट वो दिखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल न्यू था या नया नाम था, ऐसा नहीं। बट मुझे लगा कहीं फेक वेक तो नहीं, कहीं मेरे को पागल बना दें, मतलब एक डर लगता है ना अजीब सा, एज अ गर्ल और या जो भी चीज़ है मुझे लगा। तो मैंने कहा, मतलब मुझे बिलीव नहीं आ रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था, उन्होंने समझी चीज़ें, उन्होंने मुझे फोटोज़ वगैरह भेजी समथिंग, और उन्होंने कहा आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओ, आपको सारी बातें बताते हैं, सब कुछ करेगा, आप एक बार आके मिल लो। तो अब मैं सोच रही थी मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट ठीक है मैं फिर वहाँ पे गई।
तो फिर सारी बातें हुई वहाँ पे, सारी चीज़ें कि मतलब आपको इतने फिक्स आवर्स जो है यहाँ पे यहाँ तक देना पड़ेगा, मंडे टू सैटरडे, फ्राइडे आपको करना पड़ेगा और कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास, वो सारी चीज़ें हमने बातें करी, वो चीज़ें साइड की हैं, ठीक है, वो सारी बातें हमने करी। तो बस यस कि मुझे बिलीव हो गया कि हाँ ये चीज़ सही है। बाकी उसके बाद जब मैं घर पे आई, मैंने बात बात करी, बताया, तो उन्होंने कहा भैया इससे बढ़िया क्या ही चाहिए तुझे, क्या लेगी तू और, बट इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। सही बात है, ये सारा प्रोसेस होता है कि हम जगह जगह रिज्यूम जाके देखते हैं, वहाँ पे ट्रायल क्लासेस होती हैं, डेमो क्लासेस होते हैं। देखो डेमो तो यहाँ पे भी होंगे, ट्रायल वगैरह मेरे को देना पड़ेगा कि मतलब आप ठीक से पढ़ा पा रहे हो या नहीं, बट ये जो ऑफर आना सामने से, सैलरी वगैरह सब डिस्कशन हुआ सारी चीज़ें, तो बहुत सही है। मींस मैं तो बिल्कुल, मैं मतलब आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, घर पे बैठे बैठे मुझे ये ऑफर मिला। मींस कि जो एक मेरे अंदर कोई आर्ट है टीचिंग की, मतलब उसकी क्या कहो, मतलब कि उसको प्रेस करा जा रहा है या समथिंग, जो भी आप कुछ भी बोल सकते हो, मुझे घर पे बैठे बैठे ये ऑफर मिला। अब बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको पता है कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अभी मैं DSSB का एक फॉर्म जो है भर सकती हूँ, जो अभी वैकेंसीज निकली हैं एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, वो मैं फॉर्म भर सकती हूँ मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि मतलब मैं क्या करूँ। देखो अगर मैं अभी कुछ नहीं कर रही होती या जो भी, मैं फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेती, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, और मेरे को कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होता, कॉन्फिडेंस होता, बहुत अच्छी बात है ये चीज़ मुझे मिली। और ऐसा भी नहीं है कि इंस्टीट्यूट को कोई नहीं जानता, यमुना बिहार में आप जाओगे एक रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट है, अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं भी कभी वहाँ पे पता करने गई थी कोचिंग के लिए, मैंने ली कभी कहीं से कोचिंग नहीं ली है, बट यस मैं वहाँ पे पता करने गई थी। तो वहाँ से ये चीज़ आना, ऑफर होना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग इसको किस वे में लोगे मुझे नहीं पता, बट यस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैं ये नहीं शेयर करना चाहती थी कि मुझे ऑफर आए नहीं, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी कि देखो जब DSSB PRT का रिजल्ट आया था, मैं कितनी परेशान हो गई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि अब मैं कोई एग्जाम नहीं देने वाली, हर बार ऐसी होता है, ये होता है, वो होता है, PRT का एग्जाम नहीं दूंगी, हमेशा मैं रह जाती हूँ। मैंने ना एक माइंडसेट बना लिया था कि मैं नहीं दूंगी, ठीक है, बट अगर उस टाइम पे मैं गिव अप कर देती, वीडियोस बनानी रोक देती या छोड़ देती, मुझे तैयारी नहीं करनी, अगर मैंने वो वीडियोस पोस्ट नहीं करी होती तो क्या मेरे पास ये चांस आता? अगर मैंने वहाँ पे गिव अप कर दिया होता तो क्या मैं इस लायक बन पाती कि मेरे को कोई सामने से पढ़ाने के लिए बुला रहा है? तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि देखो प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उसके को गिव अप कर देना ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और आपको नहीं पता कि आगे जाके भगवान ने आपके लिए क्या रखा है, कि हो सकता है कुछ भी बहुत अच्छा हो। अब मुझे नहीं पता यहाँ से क्या है क्या नहीं, बट मैं तो ऑफर आने में इतना ज़्यादा वो हो गई और सारी चीज़ें मुझे पता चली, सब कुछ, सब सारी चीज़ों के बारे में बात हुई, तो ठीक है, अच्छा है, कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस मैं आपसे यही कहूँगी कि देखो आप ना अपना काम करते रहो, जरूरी नहीं YouTube पे वीडियो बनाना ही आपका काम है, आप जो काम कर रहे हो, जैसे काम कर रहे हो, बस ना आप उसको करते रहो, अपने आप को रोको मत, ठीक है। फेलियर्स आते हैं, पर वो फेलियर्स ही तो हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। अगर हमें वो सारी चीज़ें एट अ टाइम मिल जाएंगी तो हमें उस चीज़ की कदर नहीं रह जाएगी, वो फेलियर्स ही हमको आगे बढ़ना सिखाते हैं, और हमें नहीं पता भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है, क्या पता उससे अच्छा ही हो। तो देखो उस टाइम पे आप लोगों ने भी देखा होगा मैं कितने परेशान हो गई थी, मुझे लगा कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, क्या है क्या नहीं, बट अब एक सिंगल चीज, छोटी सी चीज़ होने के बाद भी ना मुझे लग रहा है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ और मैं करूँगी। मीन्स अपने आप को ही, खुद को एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं पता लाइफ ने हमारे बारे में क्या सोचा हुआ है, मैं तो सोचा था पहली बारी में जॉब ले लूँगी और टीचर बन के पढ़ाऊँगी, बट इतने साल हो गए ऐसा हो पाया नहीं, बट यस अब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, तो आपको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा नहीं पता मैं अभी भी ज्वाइन करूँगी या नहीं, क्योंकि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं ना अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। वो चीज़ है मेरे पास, मैं खुश हूँ। देखो अगर ज्वाइन करूँगी तो आपके पास भी वीडियोज़ एंड ऑल आएंगी, क्योंकि एजुकेशन अब वो इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, तो वो आपको दिख ही जाएगा। बट अभी मैं कन्फ्यूज़न इसलिए हूँ क्योंकि अभी आपको पता है मैं DSSB की एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है, मैंने उसका फॉर्म भरूंगी और मैं उसके लिए एग्जाम दे सकती हूँ। तो अभी ना मुझे उस एग्जाम पे पूरा फोकस करने की ज़रूरत है, मीन्स 8-8, 9-9 घंटे अपनी पढ़ाई पे, 6-7 घंटे जो भी है वो देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं DSSB की कट ऑफ से बहुत ज़्यादा घबरा चुकी हूँ, इस बार बहुत ज़्यादा हाई जाती है, ठीक है। तो अभी मेरे ना वही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ वो जो भी चीज़ है, तो उसके साथ मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को यूट्यूब भी देखना है और साथ में मेरी कोचिंग में मेरे बच्चे हैं, 9th-10th class के बच्चे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती क्योंकि अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं, और ऐसे बीच में उनको पढ़ाना नहीं छोड़ सकती, और फिर कोचिंग भी वहाँ पे पढ़ाना जहाँ पे मुझे कुछ दिन के फिक्स आवर्स तो वहाँ पे देने ही पड़ेंगे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक खिचमिच वाली बात है दिमाग में कि मतलब वहाँ भी जाना, फिर घर पे भी पढ़ाना, फिर YouTube को भी देखना, फिर अपना भी पढ़ना, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें हो पाएंगी या मैं कर पाऊँगी। और सबसे रही बात सेकंड चीज़ कि मुझे
अगर जॉब लेनी है तो मुझे अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये चीज़ मैं अब समझ चुकी हूँ। पहले जैसे मैं करती थी, कोचिंग भी पढ़ा लिया, स्कूल भी पढ़ा लिया, उसके साथ जॉब हो जाएगी तो नहीं हो सकती, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं वही, और जब घर वालों को बताई तो कर ले, तेरे तो जॉब लग दी नहीं है, एक एक नंबर से रह जाती है, फिर रह जाएगी, टाइम ही तो खराब करेगी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें घर से। तो वही मेरे समझ नहीं आ रहा कि मुझे मतलब करना क्या चाहिए, मैं करूँ या अपना करूं या अपनी पढ़ाई पे फोकस करूं। सो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, बट इट्स ओके, ये सारी चीज़ें साइड में, मुझे बस आपके साथ यही कहना था कि आपके साथ ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप बढ़िया हो जैसे भी हो, कभी हिम्मत मत हारो। आपको नहीं पता लाइफ में आपके लिए क्या लिखा हुआ है, कब कहाँ से क्या हो जाए, कहाँ से मोड़ हो जाए, चमत्कार ना कभी भी हो सकता है कैसे भी। मेरे लिए तो एक चमत्कार वाली बात है, मतलब पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, खैर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली, आप बस जो कर रहे हो करते रहो, उस चीज़ में अपना 100% दो, कभी ना कभी तो भगवान को भी आपकी सुननी पड़ेगी। सो प्लीज़ हर एक चीज़ के लिए रेडी रहो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।